Sponsored by श्री नटराज ऑयल्स, प्योर एडिबल ऑयल्स। हैदराबाद में राजस्थानी प्रगति समाज एवं प्रदर्शनी दशहरा सम्मेलन समिति की ओर से 49वां रामायण मेला 2021 एग्जीबिशन सोसाइटी हॉल में आयोजित किया जाएगा। हर वर्ष एग्जीबिशन हॉल में दशहरा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नव भारत समाचार से संवाददाता अहमद। राजस्थानी प्रगति समाज एवं प्रदर्शनी दशहरा सम्मेलन समिति द्वारा 49वां रामायण मेला आज घट स्थापना के साथ इसके सम्मानीय अतिथि थे जसवंत भाई पटेल, आज शुभारंभ हुआ। और हम पिछले 48 वर्षों से रामायण मेला यहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड में मना रहे हैं और ये 49th ईयर है और नेक्स्ट ईयर 50वां साल रहेगा और बड़ी धूमधाम से हम इस रामायण मेले को मनाएंगे। मेरा बोलने का मतलब यही है कि 47वां रामायण मेला हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। 48वां रामायण मेले कोविड के कारण सूक्ष्म रूप से मनाया गया और यहाँ पर जो रावण दहन का कार्यक्रम भी हुआ बहुत ही सूक्ष्म रूप से उसको मनाया गया। और आज यहाँ पर 49वां रामायण मेला हम भी इस वर्ष भी बड़ी सूक्ष्म रूप से हम मनाए जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष है श्री कमल नारायण जी अग्रवाल तथा सोसाइटी के श्री विनय कुमार जी वाइस प्रेसिडेंट है और प्रभा शंकर जी जो जनरल सेक्रेटरी है। हमें सोसाइटी का भी बहुत ही सहयोग रहता है और राजस्थानी प्रगति समाज और एग्जीबिशन सोसाइटी दोनों मिलकर पिछले कई वर्षों से ये रामायण मेला हम मनाते हैं। इसके साथ साथ जो डांडिया का कार्यक्रम भी यहाँ पर होता है, जो लास्ट ईयर भी हमने डांडिया का कार्यक्रम नहीं किया था और कोविड के कारण, और इस वर्ष भी हमने प्रिकॉशन लेते हुए रामायण मेले के अंतर्गत डांडिया का कार्यक्रम भी नहीं करने का समिति ने निर्णय लिया है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि इस रामायण मेले में जो 15 तारीख को इसका समापन होगा, शमी पूजन के साथ साथ राम दरबार की पूजा होगी, राम दरबार का भव्य झांकी लगेगी और इसमें भव्य रूप से रावण दहन का कार्यक्रम होगा। और इस वर्ष यहाँ पर नुमाइश मैदान में यहाँ पर प्रदर्शनी का कार्यक्रम भी हो रहा है और उसके तहत चलते हुए रामायण मेले का दहन का कार्यक्रम हमें इस बाजू करना पड़ेगा, जो हम एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर आते ही राइट साइड करना पड़ेगा, वो अभी निर्णय नहीं लिया गया है और कोविड को देखते हुए हम इसको करेंगे। और ये बतला देना चाहता हूँ कि हम इसके अंतर्गत कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भी करते हैं और कवि सम्मेलन एक साहित्यिक सम्मेलन है और हमें इसे बंद करना नहीं है, इसलिए कोविड को देखते हुए सूक्ष्म रूप से हम यहाँ पर कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भी होगा और उसके पश्चात यहाँ पर हम यहाँ से जाएंगे और 15 तारीख को यहाँ पर पुनः हम मिलेंगे और यहाँ पर यह भव्य रामायण मेले के तहत रोज़ प्रतिदिन यहाँ पर पाठ और होगा और इसका अभी आनंद सभी को लेना चाहिए। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूँगा कि इस रामायण मेले के अंतर्गत 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम रावण दहन का कार्यक्रम करेंगे। जय श्री राम, जय तेलंगाना। सेक्रेटरी और आज के मुख्य अतिथि जसवंत भाई पटेल, निष्ठानंद मिश्र जसवंत भाई पटेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त प्रेम या मोर के प्रेम और उसका मेरा उनका बहुत नजदीक का नाता है। वैसे हम 49 ईयर्स रामायण मेला मनाने जा रहे हैं, यह एक अपने आप में इतिहास है। एक संस्था बिगर लड़ाई झगड़े के बिगर यूनानी रसी जितने भी कार्यकर्ता आते हैं सब यूनानी रसी आते हैं, कोई इलेक्शन लड़ियाँ नहीं होती है और 49 ईयर्स हम मना रहे हैं। अगले हमारा इतिहारा था कि जो है आयुर्वेद एक रूपरेखा आपके सामने है, सब लोग आप देखे हैं, कुछ दिन में बन जाएगा, आप और हम सब माता के दर्शन करेंगे, ऐसा मैं सबकी उम्मीद करता हूँ। और हम जो 49 ईयर से रामायण के ऊपर ही ये सम्मेलन चले आ रहा है और आज कवि सम्मेलन भी हो रहा है, ये भी 49 ईयर से कवि सम्मेलन हमारे साथ साथ चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है,
दो पहिए हैं और इतना समय तक हम साथ रहे और 85 होंगे तक साल बड़े हम धूमधाम से मनाएंगे। और उसके बावजूद वैसे तो अब मैं क्या बोलूँ, भाई को नहीं बोल सकता, वैसे तो मेरे बच्चे ही हैं और इनके पिताजी भगवान दादी भगवान जो थे। 48वां रामायण मेला भी हम सूक्ष्म रूप से बनाए थे और इसी प्रकार इस वर्ष भी हम सूक्ष्म रूप से बना रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष श्री कमलनारायण जी अग्रवाल जो यहाँ पर प्रति वर्ष यहाँ पर भाग लेते हैं और इस वर्ष भी और यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह जसवंत भाई भी, दक्ष साहब भी और सभी हमारे संयोजक को बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। और मैं हमारी कमेटी के नाम बोलता हूँ, मैं कोषाध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी राधा, कलावती जाजो, रमेश कुमार जी भंग, नंदगोपाल जी भट्टर, लक्ष्मी नारायण जी राठी, मनोज जयसवाल, सुमित राठी, रामदेव जी नागला, विमल डालिया, राजेंद्र कुमार सागला, भगत सिंह सोलंकी, देवलता काका जी, प्रेमचंद जी शर्मा, नारायण भराड़िया, श्रीमती शकुंतल रावंदर, पवन कुमार, पवन मिश्रा, गड्ढा घट स्थापना के संयोजक श्री रामेश्वरलाल जी जोशी तथा मानव जाग्या समिति के संयोजिका श्री श्यामता लावंदर, सुरेखा सारड़ा, कवि अभी कुछ ही देर में कवि सम्मेलन में होने जा रहा है उसके संयोजक है रूबी मिश्रा, सविता सोनी और डांडिया तो इस बार हम नहीं कर रहे परंतु एक समिति बनाए थे क्योंकि अगर करना भी है तो यहाँ पर सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। रवि हेड़ा, घनश्याम गोश्नीवाल, श्रीनिवास रोहिया, सपना गुप्ता, विजय कुमार शर्मा, रचना गुप्ता तथा व्यवस्थापक संयोजक श्री रमेश कुमार व्यास, विनोद कुमार, नवल सांगला, दामोदर तिवारी, रूपम तुर्किया, शंकरलाल जी व्यास, जुगल किशोर सोनी, संजय तिवारी, पंडित नरसिंह महाराज तथा दशुलाल जी शर्मा।